अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आप सबका वेलकम है मरिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चिकन स्टू की रेसिपी। देखें कितना मज़ेदार सा हमारा ये चिकन स्टू लग रहा है। स्पाइसी चिकन स्टू है ये, मेरे अंदाज से बिल्कुल नया स्टाइल। चले जी, अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए अपनी इस चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। देखें कितना मज़ेदार सा दिख रहा है। यम 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 यम। आपको ज़रूर ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे साथ ही रहें, मेरा साथ दें। यहाँ मैंने 2 किलो प्याज ले लिया है और इसको इस तरीके से रफली कट कर दिया। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले ली है और ये हड्डी वाला चिकन है, बोनलेस नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर ले लिया है, 2 मीडियम साइज के लेमन लिए थे उनका जूस निकाल दिया है, थोड़ा पल्प भी शामिल कर दिया है, और 2 टेबल स्पून अदरक ली है, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन ली है, और 1 टीस्पून यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च ले ली है साबित, और 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंग है, 12 अदद मैंने लौंग मिर्च ले ली है, 2 तेज पात हैं, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 6 से 7 अदद हरी मिर्च। यहाँ मैंने टमाटर पेस्ट बना लिया है। मैंने टमाटर को थोड़ा सा एक बॉयल आने दिया, छिलका उतारो से हमाम दस्ते में इस तरह दर दरा पीस लिया है। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप, अगर ऑयल आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी। आपने याद रखना है इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा शामिल होता है, तो मैंने चिकन 1 किलो लिया है और प्याज 2 किलो शामिल किया है। इसी को ही कहते हैं चिकन स्टू मज़ेदार। चले जी, अब इसको मैं पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमें प्याज गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा बस प्याज नरम हो जाए तो हम इसमें बाकी के भी अच्छा शामिल कर देंगे। मैं प्याज थोड़ा पकाती हूँ, फिर आपको दिखा ही देती हूँ आगे क्या करना है। चले जी, यहाँ अब मैंने ये साबित गरम मसाला शामिल कर दिया। 2 से 3 मिनट हो चुके, बिल्कुल लो फ्लेम है, और अब हम इसमें बाकी ये भी अच्छा शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद फ्लेम को आपने लो ही रखना है, हाई नहीं करना। यहाँ मैं शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसका कच्चापन खत्म करने के लिए इसे थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ताकि ये पक जाए। थोड़ा सा प्याज हटा दूंगी और इसको इधर मैं फिक्स कर दूंगी ताकि अदरक और लहसुन थोड़ा सा पक जाए, फिर हम इसको प्याज में मिक्स करेंगे। यहाँ 1 से 1.5 मिनट हो चुका, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है, और अब इसे हम मिक्स करेंगे प्याज में। कर देंगे ये हमारा जो प्याज है और लहसुन है इसे पकता जाए, और अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है जो मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। और फिर इसे भी हम मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में पानी शामिल नहीं होता, इस चीज़ को आपने याद रखना है। यहाँ चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है
उसमें भी पानी है, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पानी शामिल होता भी नहीं है इस रेसिपी में। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, मुझे तो बेइंतहा ये रेसिपी पसंद है। यहाँ चिकन मिक्स हो चुका और अब इसमें हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर की पेस्ट, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसे मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं सब अच्छा मिक्स कर चुकी, टमाटर, जीरा, लाल मिर्च, और अब यहाँ देखें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। यहाँ मैंने काली मिर्च भी शामिल कर दी और गरम मसाला भी शामिल कर दिया। सॉरी, इससे पहले मैंने जीरा पाउडर नहीं, सूखा धनिया शामिल किया था, और यहाँ लेमन जूस भी शामिल हो चुका। पानी देखें, चिकन ने कुछ छोड़ा है अपना, टमाटर ने, प्याज ने, इसमें पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई थोड़ी करेंगे, फिर मैं मज़े मज़े से खाऊंगी। आप लोग देखिए मेरे साथ रहें, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने बनाई है। यहाँ मैं इस चिकन स्टू को अच्छे से भून चुकी और अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल कर चुकी, इसे भी मिक्स करेंगे और दम दूंगी इसको थोड़ी देर बस, और फिर आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ हमारी ये चटपटी सी चिकन स्टू की रेसिपी। ये बीफ में भी बहुत अच्छा बनता है चिकन स्टू। मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी बहुत ही चटपटी सी चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी। देखें कितना यमी सा लग रहा है हमारा ये चिकन स्टू, आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। चले जी, अब हम इसको दम पर रख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है इसका। चले जी, यहाँ हमारी रेसिपी हो चुकी डिश आउट, और अब मैं आपसे कहूँगी इसे आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी अगली रेसिपी में मारिया के किचन में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़। Thank you.